लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले मुझे बताओ, आपके पास यहाँ पे फ्लूड्स को कैसे डिफाइन करोगे और क्लासिफिकेशन क्या होगी फ्लूड्स की? सर, द लिक्विड और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड फ्लूइड। इट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर व्हेन इवन लिटिल सी स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट। इट अंडरगोज कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। ओके, एंड जस्ट क्लासिफाई द फ्यूज। क्लासिफिकेशन फ्लूइड न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। इन न्यूटोनियन फ्लूइड विस्कोसिटी इज कॉन्स्टेंट इवन इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज शियर स्ट्रेस। इन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड विस्कोसिटी चेंजेस विद चेंज इन शियर स्ट्रेस। अच्छा, आपके पास यहाँ पे जितने भी आप फ्लूइड्स आपको पता है न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन को, उसको रिप्रेजेंट करो शियर स्ट्रेस वर्सेस टाइम ग्राफ। शियर स्ट्रेस वर्सेस टाइम ग्राफ तो ध्यान रखना। शियर स्ट्रेस और टाइम या शियर स्ट्रेन रेट। नहीं, शेयर टाइम, शेयर शियर स्ट्रेस एंड टाइम। स्ट्रेस एंड टाइम। तो शियर स्ट्रेस और टाइम को कैसे रिलेट आओ मुझे कर आप सकते यहाँ पे हैं? ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। अभी आपने क्लासिफिकेशन करी है सर, आपके पास यहाँ पे इसकी, अब मुझे इसका ड्रॉ कैसे ग्राफ बनना चाहिए। यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी ना? हाँ सर। ओके, आप बताओ आपके पास पे कैसे बनना चाहिए ग्राफ है? सर, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन रेट को रिलेट कर सकते हैं मुझे विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस एंड टाइम सपोर्ट। चाहिए, टाइम, मुझे सर ये तो नहीं पता टाइम। सर कैसे इसमें टाइम। ओके ठीक है। अच्छा, सरफेस टेंशन क्या होता सरफेस टेंशन इज फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इट स्ट्रेचेज द है? मेम्ब्रेन ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द लिक्विड सो दैट द फ्लूड मॉलिक्यूल्स आर एट मिनिमम एनर्जी लेवल। अच्छा, सर एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं इसमें। सर जो बल्क फ्लूड पे मॉलिक्यूल्स होता है उसमें कोसी फोर्सेस ऑल डायरेक्शन से इक्वली लगता है, और जो सरफेस पे होता है फ्लूड मॉलिक्यूल्स उस पे कोसी फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा लगता है, जो कि मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, चाहता है कि अपने अंदर उसको खींच ले। तो उसी को रेजिस्ट करने के लिए सरफेस टेंशन पे एक स्ट्रेचिंग फोर्स डेवलप होता है जो कि सरफेस टेंशन होता है। और इसका एक अच्छा, और डिफाइंड तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फ्लूइड। एनर्जी रिक्वायर्ड आपके पास यूज यहाँ पे करके सरफेस टेंशन और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। कैसे प्लॉट हुआ? सरफेस टेंशन वर्सेस टाइम टेम्परेचर। लिक्विड के लिए डिक्रीज करेगा सरफेस टेंशन टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, और गैसेस के लिए सरफेस टेंशन टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें कैविटेशन फिनोमेना क्या होता है, तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये कैविटेशन? सर जब एट ए गिवन टेम्परेचर देन प्रेशर गोज बिलो वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर देन वाटर मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू वेपराइज सो इट फॉर्म्स वेपर बबल्स। And those vapor bubbles, when it moves from lower pressure region to higher pressure region, those vapor bubbles burst and causes pressure waves and which causes damage to the equipment system. This is called cavitation. ओके अच्छा, आपके पास कौन से हाइड्रोलिक डिवाइसेस में आपको देखने को मिलता है?
टरबाइन में मिल सकता है, वहां पे आउटपुट प्रेशर इंक्रीज करता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बिलो भी जा सकता है, तो इसी कारण कैविटेशन मिल सकता है वहां पर। और वेंचुरी मीटर में हो सकता है, जो कि फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा आपके पास यहाँ पे बनौली क्वेश्चन की अजम्पशन बताओ। बर्नौली क्वेश्चन अजम्पशंस, बनौली क्वेश्चन की। स्टडी विस्कोसिटी उसका जीरो होना चाहिए, मतलब इनविसिड फ्लूड है, और स्टेडी फ्लूड स्टेट फ्लो होना चाहिए, और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, तो अच्छा ठीक है। इस अच्छा कैसे आपके पास होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें पीटू ट्यूब का वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो। सर ये पिटोट ट्यूब काम करता है, इसमें एक होता है, पहले पिटोट ट्यूब लगाते हैं तो स्टैटिक इसमें मेजर किया जाता है स्टैटिक प्रेशर कितना है, और अगर पिटोट ट्यूब लगाते हैं तो यहाँ पे एक मिनट फ्लूड यहाँ पे स्टेगनेशन स्टेट में 0.2 पे फ्लूड स्टैटिक स्टेट में मतलब मूव नहीं कर रहा है, तो इसके कारण स्टेगनेशन प्रेशर यहाँ P2 हो जाएगा, P1+ ½ V2, और इसी को अगर क्या बोलते हैं इसको प्रेशर अगर दोनों पॉइंट पे अगर डिफरेंस मेजर करें तो इसके हाइट का डिफरेंस जो डेल्टा होता है उससे वैल्यू सिटी यहाँ पे चलो ठीक है ठीक है। अच्छा आपके पास यहाँ पे पीटो ट्यूब और स्टैटिक पीटो ट्यूब में डिफरेंस क्या है? हेलो हेलो विनीत, आई एम ऑडिबल टू यू। यस अनम्यूट करो अपने आपको। सर। हाँ मैं आपसे कह रहा था कि आपके पास यहाँ पे पीटो ट्यूब और स्टैटिक पीटो ट्यूब में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक पीटो ट्यूब एंड फ्लूइड स्टैटिक एंड स्टैटिक पीटो ट्यूब। आवाज कट रही है आपकी काफी ज्यादा, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं एक बार, कट डिस्कनेक्ट हुए। पीटो ट्यूब और स्टैटिक पीटो ट्यूब में डिफरेंस क्या है? पिटोट ट्यूब और स्टैटिक पिटोट ट्यूब में, स्टैटिक पिटोट ट्यूब में ये जो है ना, जो उसमें मेजरमेंट हो जाता है कि सर ड्रॉ करते हैं एक बार, एक मिनट सर। पिट आउट स्टैटिक ट्यूब में स्टैटिक प्रेशर और स्टेगनेशन प्रेशर एक ही डिवाइस में मेजर हो जाता है, यहाँ पे एक अच्छा इसके आउटर पेरिफेरी पे होल होता है, 5 होल्स होता है, जो कि स्टैटिक प्रेशर को मेजर करता है, और यहाँ से लिक्विड फ्लो करता है, तो यहाँ पे इसका आउट फ्लो को नहीं जाता, तो यहाँ पे स्टेगनेशन प्रेशर भी मेजर हो जाता है, इससे डिफरेंस एच आता है, उसी से वेलोसिटी मेजर कर ठीक सकते हैं पिट है आउट स्टैटिक ओके ट्यूब। विनीत, लेट मी प्रोवाइड फीडबैक। देखो सबसे पहले तो आपके पास एज पर बात जो थोड़ा सा डिलीवरी पार्ट आपका है, तो जो रीजंस आप प्रोवाइड कर रहे हो उस पर थोड़ा सा वो काम करना पड़ेगा ठीक है। और आपके पास यहाँ पे हल्के से जब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो रीजन प्रोवाइड कर रहे हो उस पर कुछ थोड़े से यहाँ पे रीजन मतलब जो रीजन आप प्रोवाइड कर रहे हो ठीक है, उसमें ना आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी ठीक है। क्योंकि आंसर आप वैसे आप सही दे रहे हो, कोई इशू नहीं है ठीक है। आपके पास ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री मुझे आंसर आपका कुछ कुछ नहीं लगे ठीक है। जैसे कि रिगार्डिंग कैविटेशन आपके पास यहाँ पे कहाँ पे वो होती है, कैसे आप कंट्रोल करते हो उससे रिलेटेड ठीक है। और सेकेंड आपके पास यहाँ पे जो मैंने जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको पूछा कि टाइप ऑफ फ्लूड्स क्या होते हैं उससे रिलेटेड ठीक है। बाकी अभी जो आपने मुझे एक्सप्लेन करा यहाँ पर कि स्टैटिक पीटो ट्यूब और यहाँ पे सिंपल पीटो ट्यूब में क्या, ये भी कुछ सही था, कोई इशू नहीं था इसमें। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास वर्किंग प्रिंसिपल क्या है पीटो ट्यूब का, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास यहाँ पे जो पीटो ट्यूब है वो एक्चुअली मेरी वर्क कर रही है स्टैग्नेशन प्रिंसिपल पे। दैट मीन्स हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट सिंपली डीएस्केलेटिंग द फ्लूड टू जीरो वेलोसिटी वेयर द ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर हेड। ओके सो दैट मीन्स द टोटल प्रेशर हेड विच यू आर गेटिंग एट दी पिटो ट्यूब इज नॉन एज ए स्टैग्नेशन हेड विच इज बेसिकली अ सम ऑफ डायनेमिक हेड एज वेल एज द प्रेशर हेड। ओके सो आपको जो डिलीवरी वहां पे जो करनी है इस चीज की उस पर थोड़ा सा आपको काम करने की रिक्वायरमेंट है ठीक है ना। वैसे आपका उसमें नॉलेज सही है, कुछ कुछ जगह पे आपने यहाँ पे रिविजन की आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जैसे आपका शेयर स्ट्रेस वाली टैंक आप ग्राफ नहीं बना पाए, उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका जो शेयर स्ट्रेस है
ठीक है, मतलब जो फ्लूड्स मेरे पास है कौन से फ्लूड टाइम के साथ वेरी करते हैं, कौन से फ्लूड टाइम के साथ वेरी नहीं करते, मतलब विस्कोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंडेंट कौन से है, टाइम इंडिपेंडेंट कौन से है। अगर आपको वो पता होता तो आप आराम से ग्राफ को प्लॉट कर लेते, कोई आपको टाइम पे टाइम नहीं सर वो लगता। तो सर वो तो पता, डायलेटेंट का विस्कोसिटी टाइम के साथ बस डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं, गलत बोल दिया, फिर आपने गलत बोल करता है, दिया, डायलेटेंट इंक्रीज करता है टाइम के साथ। गलत बोल दिया। डायलेटेंट और आपका सीडोप्लास्टिक इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आपका होता है, वो थिक्सा टॉपिक और ये प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, तो आपको हल्की सी रिविजन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए के बात कर रहा हूँ, तो इस पर थोड़ा सा काम करना। ठीक है, बाकी मुझे फिर से एक बार स्नैप दो इसका, फिर मैं आपसे थोड़ा थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा उसको। ठीक है, ठीक है सर, रिवीजन और करते हैं आपके पास यहाँ कॉलेज। पे थ्योरी बेसिस पे मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, कुछ कुछ टॉपिक पे आप लाइक लाइक कर रहे हो, और कुछ कुछ टॉपिक पे आपके पास यहाँ पे आपने जो सही आंसर दिए, जो हल्के सब जो रीजन प्रोवाइड कर रहे हो उसको थोड़ा सा करेक्ट करो। ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं। ठीक है, वैसे आप ओवरऑल वैसे देखा जाए, वैसे एज पर बाकी ऐसे में नॉलेज हो वैसे आंसर आप सही प्रोवाइड करो, ऐसा कोई इशू नहीं। ठीक है, पर जो मैं चाहता हूँ वो उसके कंपेरेबल, वैसे उससे मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसका और इम्प्रूवमेंट करो। ओके ओके सर। ओके मेन, नाउ यू कैन लीव।